हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। एंड पीछे आप देख रहे हो मेरे, मैंने है ना सामान निकाल के रखा है क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ ब्राउनी। मेरे हस्बैंड कई हफ्तों से मुझे बोल रहे हैं ब्राउनी बना कर दो, ब्राउनी बना कर दो, ऑफिस ले जानी है। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। अभी टाइम हुआ है कुछ 5:31 और ये मैंने मेरी ही रेसिपी खोली हुई है बिकॉज आई मेक गुड ब्राउनीज। मैंने जिसको भी जब भी खिलाई है तो सबको पसंद आई है। और शर्मा जी के ऑफिस में मैं पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बना बना के भेजती थी। वो लोग मेरे बेसन के लड्डू और स्पेशली ब्राउनीज़ डिमांड भी करते थे कि आप दोबारा कब बनवा के लाओगे। तो पर अभी इनके यहाँ पे ना थोड़ा अलग सिस्टम है तो अभी मैंने बंद कर दिया है, बट अभी भी ऑन एंड ऑफ ओकेजनली मैं भेजती रहती हूँ। तो मैं मेरी जो ब्राउनी रेसिपी है आपको नहीं मिलती है अगर मेरी रेसिपी, तो आप यूट्यूबर नीलम, नीलम यूट्यूबर प्लस रेसिपी का नाम जैसे ब्राउनी आप ये करके सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। मैं भी ऐसे ही ढूंढती हूँ। और ये मेरा दूसरा वाला चैनल है, आप यहाँ देखो, दिस इज़ नीलम्स रेसिपीज़। इस पे पहले मैंने ना, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि आपकी रेसिपी मिलती नहीं है, तो मैंने ये चैनल बनाया था कि इसमें मैं सिर्फ रेसिपीज़ पोस्ट कर दिया करूँगी। बट देन इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा ढीली भी हूँ, कम काम कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बस यही है कि जो बच्चों के एग्ज़ाम है उसका इम्पोर्टेंट साल है मेरी बेटी का, तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि ये स्मूथली निकल जाए। उसके बाद फिर अगले साल से शायद मैं वापस से इस वाले चैनल पे भी पोस्ट करूँ और यहाँ वाले चैनल पे भी थोड़ा फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ डालूँगी। अभी तो छुट्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो मैंने रेसिपी खोल के रख ली है सो दैट कुछ भी गलती ना हो जाए, क्योंकि ये मुझे भेजनी है बाहर। घर में तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो सब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन बाहर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जब औरों को भी खिलाने की बात होती है। यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली इसमें जाती है डार्क चॉकलेट, मैंने डार्क चॉकलेट मंगाई थी पहले लेकिन ये इन लोगों ने ना निकाल निकाल के खा ली है। ये देखें आप, इतनी यूज़ हो चुकी है तो ये इतनी बची है। एंड मैं इसे मेजर करूँगी पूरी, ये पड़ती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें ये मिल्क चॉकलेट रखी है मेरे पास, ये मिला लूँगी। वैसे ब्राउनी डार्क चॉकलेट से ही बनती है, बेटर रिजल्ट मिलते हैं, बट आप ऐसे थोड़ा मिक्स कर सकते हो इनकेस यू नो इन्ग्रीडियंट शॉर्ट पड़ रहे हो। दूसरा इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, तो ये भी मैंने निकाल के बाहर रख दिया क्योंकि ये सारी ये चीज़ें ना मुझे रूम टेम्परेचर पर चाहिए। बटर निकाल के बाहर रख दिया है सो दैट ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, वैसे तो इसको पिघलाएंगे ही। एंड ये सभी चीज़ें बस फटाफट से मैं अब ब्राउनी बनाना शुरू करती हूँ। और ये ब्राउनीज़ बेक होने के लिए रखूँगी मैं मेरे नए ओटीजी में। ये है अगारो रॉयल 60 लीटर ओटीजी। जिससे पहले आप मेरा ओटीजी देख रहे थे ना वो 48 लीटर का है, मुझे अपग्रेड करना था तो मैंने बड़ी कैपेसिटी का एंड बेटर रिव्यूज़ वाला ओटीजी प्रेफर किया। इसमें आप रोस्ट, बेक, ग्रिल, टोस्ट वगैरह कर सकते हो। इधर देखें आपको है ना 4 नॉब दिख रहे हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर नॉब, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सेट किया जा सकता है। फंक्शंस के 2 नॉब हैं। सबसे पहला है हीटिंग फंक्शन नॉब, इसे आप ऑफ के अलावा अपर हीटिंग एलिमेंट, बॉटम हीटिंग एलिमेंट या दोनों हीटिंग एलिमेंट को साथ में ऑन कर सकते हो एज पर रेसिपी रिक्वायरमेंट। दूसरा फंक्शन नॉब है जिसमें आपको मिल जाएगा ऑफ के अलावा कन्वेक्शन फैन ऑप्शन, रोटिसरी रॉड एंड रोटिसरी रॉड विद फैन ऑप्शन। नेक्स्ट नॉब है टाइमर, ये आपको मिल जाएगा अप टू 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे के टाइमर के साथ। और यहाँ आपको दिख रहा है स्टे ऑन, ये इसका एक बड़ा अच्छा फीचर है। स्टे ऑन पर आप अगर इसको सेट करते हो तो 90 मिनट से भी ज़्यादा देर तक आप ओटीजी को चला सकते हो, और जब बंद करना है तो मैन्युअली आप इसे स्टे ऑन से हटा दें। और ये है इसका पावर इंडिकेटर, ये है इसका कूल टू टच हैंडल, और इसका डोर आता है मल्टी पोजिशन के साथ यानी मल्टीपल पोजिशन पे आप इसे खोलते समय रोक सकते हैं। अंदर आपको मिलेगी ग्रिल रैक, इस पर आप ग्रिलिंग कर सकते हो, स्क्यूअर्स प्लेस कर सकते हो, और इसमें है ना स्टैंड्स भी दिए गए हैं, इसे आप एज कूलिंग रैक भी यूज कर सकते हैं। साथ में है बेकिंग ट्रे और इसे आप तरह तरह की बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आता है ट्रे हैंडल, बेकिंग ट्रे को ओवन में रखने और निकालने के लिए। बेस में है रिमूवेबल क्रम ट्रे जिस पर बेकिंग के दौरान होने वाली स्पिलेज वगैरह जो इफ एनी हो रही है तो वो यहाँ गिर जाती है, जिससे आपका सारा ओवन गंदा नहीं होता और आप इसे ईजिली निकाल करके साफ कर सकते हैं। यह है रोटिसरी सेट जिसमें साइड में 2 फोक्स हैं जिनकी दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है, और रोटिसरी रॉड को ओवन में रखने और निकालने के लिए रोटिसरी हैंडल भी साथ में आता है। साथ में टिक्का वगैरह बनाने के लिए मिल जाएंगे आपको स्क्यूअर्स। ओवन में इधर की तरफ है कन्वेक्शन फैन जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओवन के अंदर लाइट भी है जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट बेक हो रहा है उसका स्टेटस आप देखते रह सकें।
ऊपर और नीचे की तरफ हीटिंग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। साइड में दिए गए हैं वेंट्स। यूज के दौरान ओटीजी के साइड्स में थोड़ी जगह छोड़ दें और ऊपर कभी भी कुछ भी नहीं रखना है जब आप बेक कर रहे हो, क्योंकि ऊपर का सरफेस काफी गर्म हो जाता है। साथ में एक बड़ी सी पावर केबल भी आती है और ये है ना 16 एम्पियर प्लग के साथ आती है। इस प्रोफेशनल अवन को खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले जो चॉकलेट है ना, इसको चॉप कर लेंगे। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं रैंडमली, क्योंकि इसको हमें ना मेल्ट ही करना है। तो ये देखिए डार्क चॉकलेट पूरा एक कप नहीं निकली, तो इसमें इसको एक कप बनाना है, मुझे एक कप ही चाहिए मेजरमेंट में। तो जितनी कमी पड़ रही है ना वो मैं मिल्क चॉकलेट डाल दूंगी। वैसे जो ब्राउनी है ना वो वाइट चॉकलेट से भी बनती है, बट डार्क चॉकलेट वाली ब्राउनी सब ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बोल के अंदर मैंने ये एक कप चॉकलेट डाल दी और इसके अंदर है ना 4 टेबलस्पून बटर डालेंगे। तो सॉफ्ट बटर है ये, मेल्टेड भी आप ले सकते हो। 4 टेबलस्पून बटर डाल दीजिए और इसके बाद आप इसको पिघला लीजिए। तो आप चाहे तो माइक्रोवेव में पिघला सकते हो, चाहे तो इस तरह डबल बॉयलर में पिघला लीजिए। सबके पास माइक्रोवेव नहीं होता तो आप इस तरह डबल बॉयलर में इसे कर सकते हैं। एंड बस ध्यान दें कि जो बोल है जिसके अंदर चॉकलेट है उसका जो बेस है वो पानी पर टच ना हो, खाली स्टीम से वो वार्म हो। और ये देखिए कितना स्मूथ, कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है बटर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा भी वार्म है तो इसको रख देंगे साइड में। पर हाँ, मैंने इसके अंदर है ना 1/2 कप ब्राउन शुगर एंड 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 टीस्पून ये सब चीज़ें और मिला दी हैं। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसके बाद रखूंगी मैं इसे साइड में, सो दैट इसका जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाए। और फिर इसके बाद मैं है ना इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट मिलाऊंगी। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें रैंडमली कोई भी 2 चम्मच ले लें या 2 टेबलस्पून ले लें, निकाल दीजिए मैदा और उतना ही इसे रिप्लेस कर दें कोको पाउडर से। और इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने मिलाया है। इसमें बेकिंग सोडा नहीं डलता है क्योंकि जो ब्राउनी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंस एंड रिच होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होती है। और इसके बाद जो भी आपका टिन है जिसमें आप बेक करने वाले हो वो सबसे पहले इस टाइम प्रिपेयर करके रख लीजिए। जब आप वेट एंड ड्राई इन्ग्रीडियंट मिक्स कर देते हैं ना तो फिर कोई टाइम नहीं रहता है बेकिंग में, आपको सीधे उसे ओवन में रखना होता है। तो जो भी प्रिपरेशन है ना वो पहले ही कर लें। तो मैंने यहाँ पर टिन जो है ये नॉन स्टिक है, बट स्टिल मैंने चांस नहीं लेते हुए इसमें पार्चमेंट पेपर लाइन कर दिया है। इससे ब्राउनी को निकालने में भी आसानी रहेगी। मैंने इसको प्री हीटिंग पे रख दिया था 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए, और ऊपर और नीचे दोनों के हीटिंग एलिमेंट भी ऑन कर दिए थे और साथ में कन्वेक्शन जो फैन है वो भी ऑन कर दिया था। जब आपकी बेकिंग टिन तैयार हो जाए, जब आपका अवन जो है वो प्री हीटिंग पे चला जाए, इसके बाद ही हमेशा ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स करें। यहाँ मैं ये मिक्स कर रही हूँ, ये टाइट है और आपको इसमें लिक्विड मिलाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो दूध मिला दीजिए, पर मैंने दूध बाहर नहीं रखा था, वो चिल्ड था इसलिए मैंने वो नहीं मिलाया। पानी भी आप मिला सकते हो, बस ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाए, बहुत फ्री फ्लो कंसिस्टेंसी इसकी नहीं चाहिए होती है। देन इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए बेकिंग टिन में, इवन आउट कर लें। और इसके ऊपर फिर अभी चॉइस आपकी है, आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। ब्राउनी में एज सच किसी भी गार्निशिंग की डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल प्लेन ब्राउनी भी आप बना सकते हो। बट चाहे तो ऊपर से इस तरह चॉको चिप्स लगा लीजिए, चॉको चंक्स लगा लीजिए या फिर वॉलनट्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद ये ब्राउनी बेक होने जाएगी प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट्स। 2-4 मिनट कम या 2-4 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी जो ब्राउनी है वो कितनी थिक है और ओवन कितना छोटा या बड़ा है। और टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस। ब्राउनी जो है वो मैंने बेक होने के लिए रख दिया, अभी उसमें लगेगा 25-30 मिनट का टाइम, तब तक मैं आके बैठ गई हूँ। मुझे है ना थोड़ी सी वीकनेस सी हो रही है। एक्चुअली कल जो था, कल के दिन फ्राइडे इट वाज, मैंने कुछ भी नहीं किया था। व्हाट हैपेंड, थर्सडे को शानू का बर्थडे था तो हम लोग गए थे बाहर और हम लोगों ने बाहर से खाना पीना किया था और काफ़ी लेट हम लोग घर आए थे। वो तो मुझे बोल रही थी कि उसको कुछ भी नहीं करना, उसका बर्थडे है। तो हम लोगों ने एक वक्त पे ये भी डिसाइड किया था कि अभी 12th मार्च आएगी ना, तब खुशी का बर्थडे है और शानू के पेपर तब तक हो चुके होंगे, तो दोनों को
साथ में ही केक कटवा देंगे। बट देन आई थॉट कि यार अपने बर्थडे की बात अपने बर्थडे वाली ही होती है, तो वो वाला मज़ा शायद उसको आए ना आए, कम से कम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो कर लेते हैं। और हम लोग आते हुए केक लाना भी भूल गए, एंड यहाँ पे खाना पीना हो चुका था। पता नहीं हम लोग किस बारे में बातें कर रहे थे, या तो कुछ तो टीवी में देख रहे थे, शायद उसके चाचू का सीरियल ही देख रहे थे। एकदम से मुझे याद आया कि यार हमने केक तो काटा ही नहीं शानू के बर्थडे का, एंड शी वाज लाइक कि मम्मा रहने दो अभी नहीं करना है। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने ऑर्डर किया था केक। बेकार सा केक उन्होंने भेजा, मैंने जानबूझ के ऐसे वाला रेस्टोरेंट ढूंढा था जिसके रिव्यू सारे अच्छे थे, पर उन्होंने पूरा ही मूड ख़राब कर दिया। बाद में मैंने वो एस्केलेट करा तो जो जोमेटो का स्टाफ है उसने मेरे जो पैसे हैं वो वापस कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैं चली गई सोने, एंड सुबह खुशी को स्कूल भेजना था तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही। वैसे भी ज़्यादातर मेरी आँख सुबह खुलती नहीं है ऑनेस्टली, मेरे हस्बैंड ही मुझे जगाते क्योंकि वो जिधर सोते हैं उधर ही अलार्म भी होता है। मैं थोड़ा दूर सोती हूँ तो मुझे वैसे भी अलार्म कम ही सुनाई देता है। तो उन्होंने मुझे जगाया एंड मैं उठी, मेरे इतने ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा था, शरीर ऐसा गिर रहा था। तो मैंने कहा कि सुनो मेरी हालत ठीक नहीं हो रही है, तो ही सेड कि तू आराम कर मैं भेज देता हूँ खुशी को। तो शानू तो गई नहीं थी स्कूल, खाली खुशी का उन्होंने डब्बा बना के उसको भेज दिया। एंड आई थॉट कि थोड़ी देर लेट करके मैं ठीक हो जाऊँगी, और मेरे जो क्रैम्प्स थे पेट में वो भी बढ़ रहे थे, और उससे भी ज़्यादा मेरा शरीर का दर्द इतना हो रहा था ना, मुझे एकदम ऐसे फीवरिश फील होने लगा। तो ही सेड कि कुछ खा के है ना दवाई ले लेना, नहीं बनाने जैसा हो तो कुछ ऑर्डर कर लेना। एंड मेरा पेट दर्द वगैरह तो ठीक हो गया, बट मेरे को इतना तेज़ फीवर, बॉडी एक, ये सब हो गया। सारा दिन मैंने ऑलमोस्ट लेट कर ही निकाला, कुछ भी काम नहीं किया। एंड बच्चे अभी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, देखो ऑपरेटर, मैंने बाहर से खाना मंगा दिया था उन लोगों के लिए। एंड मैं आपको बताऊँ, मैंने ना कुछ दिन पहले एक मूवी शुरू करी थी, दिल से। दिल से इज़ अ वेरी ओल्ड मूवी, आप सबको पता होगा, मनीषा कुराला और शाहरुख खान वाली। पर मैंने वो कभी भी देखी नहीं, कभी देखी नहीं थी। तो मेरा मन आया कि मैं उसको देखती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ही यू नो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है। तो मैंने वो लगाई थी, थोड़ी सी देखी थी, फिर छूट गई थी, कुछ काम में मैं बिज़ी हो गई थी, फिर वापस लगाई थी, फिर थोड़ी छूट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी पढ़ी तो हुई हूँ और इतना मतलब नॉन स्टॉप सोया भी नहीं जाता है, तो आई थॉट कि चलो मूवी कम्प्लीट कर लेते हैं। एंड इट इज़ सच अ नाइस मूवी यार, आजकल उतने मज़ेदार मूवीज़ नहीं बनती। इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। आफ्टर सो लॉन्ग मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत अच्छा देखा। एंड मनीषा कुराला, आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हम लोग ना क्लास 10 में थे, तो मेरी क्लास में एक लड़की आई थी, मतलब मैं केवी में पढ़ती थी, तो वहाँ ऐसा होता है कि मिड सेशन भी बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं आपकी क्लास में। तो वो मिड सेशन ही हमारी क्लास में आई थी, एंड शी वाज थापा। तो ऐसे क्लास में ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना कि चार छः लड़कियों का एक ग्रुप होता है, चार छः लड़कियों का एक ग्रुप होता है, कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप होता है, अलग अलग, जैसे आपके जो भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आपकी वाइब्स मैच होती है, तो वो एक अलग तरह का ग्रुप सा बन जाता है। तो मेरी क्लास में भी मल्टीपल ग्रुप्स थे, एक ग्रुप का पार्ट मैं थी, तो वो जो नई लड़की आई थी वो उस ग्रुप में ही यू नो फ्रेंड्स हो गई थी सबके साथ। फिर बातों बातों में उसने बताया कि मनीषा कुराला उसके दूर 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 के रिश्ते में बुआ लगती है। तो वी वर लाइक कि क्या मतलब सच बोल रही है, तो उसने कहा कि हाँ। और हम लोग वर लाइक कि तेरे को सामने खड़ा कर देंगे तो तेरे को पहचान लेगी ना कि वो तेरी बुआ लगती है। तो शी वाज लाइक कि हाँ, वो हम उसके घर भी जाएंगे, तो हमको मतलब वो बच्चों वाली बातें। तो वी डिसाइडेड कि 10th के हमारे जब बोर्ड्स हो जाएंगे तो उसके बाद 11th तक के बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक मिलता है, और जो अप्रैल में जो सेशन होता है नई क्लास का वो भी नहीं होता 10th के बाद, तो काफ़ी सारी छुट्टियां हो जाती हैं। तो मेरे ग्रुप की लड़कियों ने इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो थापा के साथ हम जाएंगे उसकी बुआ से मिलने, मनीषा कुराला को मिलकर आते हैं। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। पर हुआ वही, मम्मी पापा ने सबके ही मना कर दिया। मेरे मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मेरे पापा तो मतलब हाथों पे नेल पेंट नहीं लगा सकते थे, ही वाज लाइक कि उंगलियां काट दूंगा दोबारा देख लिया तो। तो मेरे पापा ने तो सुनते ही मना कर दिया, बट सभी के मॉम डैड ने मना कर दिया। तो अभी लगता है कि कितना सिली था वो, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं से कैसे मनीषा कुराले की रिलेशन में है, तो हम लोग मुँह उठा के जा रहे हैं मुंबई। अगर पहचानने से इनकार कर दे तो क्या होगा हमारा, बट वही होता है, लड़कपन होता है, पता नहीं क्या क्या उस वक्त हर चीज़ की इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हैप्पीनेस, एक्स्ट्रा ही एक्साइटमेंट हो जाती है तब। तो मनीषा कुराला को देख रही थी ना, तो मुझे ये थॉट है ना घूम घूम के दिमाग में आ रहा था, आई थॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं फिर कल शाम भी मैंने कुछ नहीं किया, हस्बैंड ने बाहर से ही खाना मंगा दिया था, दवाई वगैरह खाई, एंड आज मैं सुबह से खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि टालते रहो ना तो शरीर को भी फिर ना काम ना करने की आदत बड़ी जल्दी पड़
पड़ जाती है, काम करने की आदत डालने में बहुत वक्त लगता है। एंड अभी मेरे बच्चे के एग्ज़ाम है और वो कार जो एक्सीडेंट हो गया था वो भी आज ही जानी थी रिपेयर के लिए, नहीं तो फिर आगे वर्कशॉप बंद रहती है और फिर वीकडेज़ में हस्बैंड को छुट्टी नहीं होती है। तो आज सुबह सुबह वो एक काम निपटा लिया एंड अभी तो मैं लग पड़ी हूँ वापस से साइकिल पर काम करने। ये एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत आसान एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ना बॉयल्ड पास्ता ले लिया है और इसको स्क्यूअर्स में इस तरह अरेंज करना है। ये वाली रेसिपी है ना बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहती है, उन्हें बहुत पसंद आती है, लेकिन स्टार्टर वगैरह के तौर पर भी आप इसे बना सकते हो। बच्चों की कोई पार्टी वार्टी अरेंज कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर से बनाना, क्योंकि ये काफ़ी सारी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख दो, पास्ता वगैरह बॉयल करके रख दो, बस लास्ट में सिर्फ बेक करने का एक काम रह जाता है और ये टेस्टी बहुत अच्छा लगता है। यह है पास्ता पिज़्ज़ा स्क्यूअर्स। मैंने 4 स्क्यूअर में जो उबला हुआ क्वाई डाल दानते, बिल्कुल सॉफ्ट कुक नहीं है ये पास्ता, ये आप देख रहे हो जिस तरह से ऐसे इसको प्लेस कर दिया है और इसको स्मूथ कर दिया है मैंने, जो सारा पास्ता है वो ठीक से बेड जैसा बन जाए। इसके ऊपर फिर लगाएंगे जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है वो, और बहुत एजेस तक एंड बहुत सारा ना लगाएं, क्योंकि फिर पास्ता है ना वो वेट नहीं ले पाएगा। और यही वजह है कि पास्ता आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुक भी नहीं करना, वरना वो खुद ही टूट के गिर जाएगा। और इसके ऊपर लगा दीजिए चीज़, कोई भी चीज़ लगा दें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो। मेरे पास आज जो पिज़्ज़ा वाली चीज़ होती है वो नहीं थी, ये वाली चीज़ स्लाइसेस रखे थे तो यही मैंने लगा दिए। टॉपिंग लगा दें आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो या जो भी पसंद आता हो, मैंने ये लगा दिए हैं जिससे ये सुंदर लगे देखने में, शानो खुशी ये सभी निकाल देंगी। और इसके बाद ऊपर से मैंने जो पिज़्ज़ा पास्ता की सीजनिंग रहती है ना पिज़्ज़ा वाली, वो मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। और अभी प्री हीटेड अवन में ये बेक होगा 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। और इस बार भी जो फ़ैन है वो भी ऑन रहेगा और ऊपर और नीचे के जो रॉड्स हैं वो भी ऑन रहेंगे 10 मिनट 200 डिग्री सेल्सियस। एंड आपने देखा कितने अच्छे से चीज़ बबल हो रही है, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, देखें देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और इसकी खुशबू एकदम ऐसे पिज़्ज़ेरिया वाली आ रही है। ये देखिए पार्चमेंट पेपर लगाने का एक और फ़ायदा है, सीधे आप इसको ऐसे लिफ्ट कर सकते हो, जो ब्राउनी है ना उसे ज़्यादा रफली हैंडल करने से वो ज़्यादा टूटने भी लगती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई एंड क्रम्बली होती है इन कंपैरिजन टू केक। केक काफ़ी ज़्यादा बॉडी होती है उसकी और अच्छी तरह से बाइंड टुगेदर टाइप्स रहता है, जबकि ब्राउनी थोड़ी सी ब्रिटल होती है, क्रम्बली होती है, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको डील करना होता है। एंड ये रेसिपी ट्राई कर लेना, बहुत अच्छी बनती है। ये दोनों तो बस वेट ही कर रही थी कि कब मम्मी अपना काम फिनिश करे और हम दोनों ब्राउनी ट्राई करें। हो गया। अरे नहीं बस एक बार और यार, नहीं हो गया नहीं, नहीं यार भाई एक बार और बस। अरे मुझे मत पकाओ यार, मैं इतनी बार सुनाऊंगा ना तू दोबारा सुनेगी नहीं। और गाना सुनिए तो ये वाली लाइन तो तू सुनेगी नहीं। प्लीज मुझे यार लिरिक्स याद कर दो, इसलिए सुना रहा हूँ बस एक बार। ठीक है इसका वॉल्यूम कम कर लो तो यहाँ भी सुना दूं मैं। इसको नहीं चलाते ना फिर जीजू कैसा गा रहे हैं, नहीं इसमें फिर वो इशू आते हो ना। चलो मैं ऐसे ही गा देता हूँ ना। ओके हाँ तुम करो ना 3-2-1 उस पे फिर 3-2-1 तेरी कली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। नाइस 0 एरर ना। आप बताओ वीडियो क्यों तैयार कर रहे हो? अरे ये हमारे ऑफिस में एक हुआ है ना यार परफॉर्मेंस है, तो उसमें पहले कैसा था कि सोलोस थे सबके पूरा गाना, बट फिर लगा यार बहुत बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि 5-6 सिंगर्स हैं तो फिर 5-5 मिनट भी अगर करते हैं तो काफी लंबा हो जाता, तो फिर हम लोगों ने अंतरा
अंतरा बोलते हैं, मुखड़ा बोलते हैं इसका, आई डोंट नो, अंतरा है ये, अंतरा है ना, हाँ. तो सबने अपने अपने गाने सेलेक्ट किए हुए हैं और उसके हिसाब से अंतरे बिठा रखे हैं. अच्छा. तो कैरी होके चलेगा और उसपे जैसे मेरा टर्न आएगा तो फिर एक पैरा गा दोगे. हाँ, तो मैं एक अंतरा गा दूंगा. ऐसे ही चार लोग और हैं तो वो अपने अपने गाने गाएंगे. ओके. उसमें एक गुजराती गाना भी है और दो तीन बड़े अच्छे अच्छे हिंदी सॉन्ग्स हैं. मतलब ऐसे कि धीरे धीरे पहले स्लो गाने चलते हैं एकदम बहुत धीरे से, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है. तो माइन इज ऑफ मेरा जो है वो सेकंड लास्ट है. ओके ओके. अगर पीछे हमारा मच्छर मारने वाला रैकेट, प्लीज इग्नोर करें. हाँ, ये मैं अपने पास ही रखता हूँ. बहुत मच्छर आ जाते हैं आजकल शाम में खिड़की खोलने से. मुझे ही काटते हैं. हाँ, इन्हीं को काटते हैं. वैसे भी जो काटने वाले मच्छर होते हैं वो एक्चुअली मच्छर ही होती हैं. फीमेल मस्किटोस काटती हैं. भगा के आओ ना लिटरली. अच्छा, आती हूँ. ये देखो, ये है कुकी जो बनाई है खुशी ने, पर ये बहुत सैड है क्योंकि थोड़ी सी जल गई है. आपको देख के ठीक लग रही होगी पर इसका स्मेल थोड़ा ऑफ है. ऑनलाइन रेसिपी देख के बना रही थी तुम. अबे तो मम्मी को देख लेती. वो पहली बार नहीं, वो माइक्रोवेव में बना रही थी. अच्छा. वो पहली बार बना रही थी ना, तो उसको ये आइडिया नहीं हुआ कि ये कब पकी. उसको लगा 1 मिनट में अभी ये कच्ची है. इट्स ओके, यू ट्राइड. और बाय द वे, ये कुकी क्यों बना रही है? अपनी बहन के लिए, उसको सरप्राइज देने की कोशिश कर रही है. क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने वाले रात के. क्या टाइम हो रहा है? 2 मिनट्स लेफ्ट. ये इतनी रात को अकेली लग रही है. इसको चींटी ने भी काट लिया. दिखा, ये देखो. अरे मेरा बच्चा. चींटी ने भी काट लिया और कुकी भी ठीक नहीं. इट्स ओके, इट्स ओके खुशी. इट्स ओके ना, बस दैट्स ओके, दैट्स सफिशिएंट. कितना प्यार है इसका. हां खुशी, इट्स ओके. बनी तो सुंदर है. हां, कॉल आ गई, कॉल आ गई. दादाजी बड़ी मॉम. हेलो. हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे शानू. हैप्पी बर्थडे शानू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर शानू. हैप्पी बर्थडे टू यू. Bless you, may God bless you, may God bless you, Shannon. Happy birthday to you. चलो पारी करो, पारी करो. निन्ना, निन्ना पारी करो. शानू देख बड़ी मॉम. नमस्ते बड़ी मॉम. आपने देखा खुशी को? मेरे कपड़े पहन रखे हैं इसने. इधर आ, इधर आ शानू, तू भी आ. और ये भी मेरे कपड़े पहन के घूम लिया. और मम्मी पापा आए हैं तो कढ़ी लेकर आए हैं क्योंकि थोड़ा मन हो रहा था मेरा आज कढ़ी खाने का, तो उन्होंने स्पेशली आज कढ़ी बनाई है. खुशी सब उधर से लाइटें बंद करती भी आ बेटा. तो तू बड़ी हो जाएगी. तू बड़ी हो जाएगी. ऊपर के हाथ थोड़ा. वेरी प्रीटी. बाय द वे, किसी ने ध्यान दिया हम लोग केक लाना भूल गए हैं? हाँ, पापा तो म्यूट में भी उसे ही देख रहे हैं. मैंने ऑर्डर कर दिया है, काफी लेट पर आ जाएगा.
शानू लाइट्स ऑन करके कहा गया, अरे बेटा उसे ठीक कर दे, थोड़ा पीछे कर दे, कर उसे वो जो तूने करा है, ये कपड़ा, ये हाँ भूल गए थे तुम डैडी टैंटड़े वाले और बड़ी मां दादाजी भी नहीं है पता, सब भूल गए। ये तो मुझे एकदम से याद आया कि केक तो हमने काटा ही नहीं, और ये मैंने कहाँ से मंगाया आपको दिखाऊं, जिसकी एड आती है, क्या है ये थियो ब्रोमा, क्या है इसका नाम, थियो ब्रोमा फूड्स, ये देखो इसकी एड आती है ना, हैप्पी बर्थडे, कितना एपिक है, ये रहा देखो ये लिखा है थियो ब्रोमा, वो यू आर अ मॉम नाउ पप्पी वाला, खोलो ना अच्छा फ्लेवर मंगाया है। Oh, what? ये किसने लिखा है? Happy birthday, Shami, sweet 16. What is this? और ये पुरानी सी भी लग रही है इसकी आइसिंग। Theo Broma, not done. ये देखो, ये पढ़ने में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। I have escalated this. आज का दिन कुछ अजीब है यार, सारा दिन लाइट नहीं थी, हम लोग कुछ कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। चल काटते हैं शानू, आजा क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, देखो अभी मैं दूसरा केक मंगाने का रिस्क नहीं ले सकती। क्या बोला दीदी? रुक जा शानू एक सेकेंड, बड़ी मम दादाजी को भी आ जाने दे। पहले इसका ही मुंह मीठा कराओ, पहले इसका ही मुंह मीठा कराओ। ये टेल मी हाउ इज इट, इधर आओ मैं तुम्हें भी पिलाएगा, पापा की तो सबको खिलाएगा, शाहरुख खिला, पापा को खिला दे। How is the cake? अच्छा, cake is nice. ये है डच ट्रफल, मैं मम्मी को भी खिलाऊं? खुशी ने बाद में फिर से मेरी ही टी शर्ट पहन रखी है आजकल, तो ये जाक मेरी स्मेल है, जाक मेरी अलमारी के पास खड़ी जाती है कि क्या पहनूं मैं इसमें से। मामा